गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स, अनदर न्यू ब्लॉग्स। सो आज मैं मेरे एक दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। और वो दोस्त मेरा रहता है भैयाला में, तो कोलकाता भैयाला में हम जाएंगे। थोड़ा दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर की तरफ इतना है, तो हम जाएंगे अभी उससे मुलाकात करने के लिए, तो आप लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे। और वैसे भी वो दोस्त मेरे साथ बहुत बार उनके साथ मेरा लैब में गाना होता है, लेकिन कभी मुलाकात करने का टाइम नहीं होता हम लोग दोनों के पास। तो आज मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं सॉलिक में जा रहा हूँ सीधा घर, उसके पास जा रहा हूँ। उसका घर में नहीं जा रहा आज, उसके साथ मैं आज लंच करने वाला हूँ KFC में। आप लोगों को KFC बहुत पसंद लगता है हम जानते हैं, बट KFC में हम जाएंगे तो दिखेंगे आप लोगों को कौन सा KFC में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं और रास्ते का व्यू दिखा भी आप लोगों को, दिखाते हैं व्यू कैसे लग रहा है। अभी मैं सॉलिक में देखिए कितना सुंदर लग रहा है सॉलिक को, वैसे भी सॉलिक बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोगों को पता ही है सॉलिक कहाँ है, ये कोलकाता का सॉलिक है, उससे कोई जगह हुआ सॉलिक नहीं है। हाँ जानते हैं, मैं दूसरे भी एक सॉलिक रहता है, कहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सॉलिक बोल के और कहाँ पे है इसी नाम से, ठीक है। मैं जानता हूँ, बट आप लोगों के पास मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जानते हैं सॉलिक और कहाँ पे नाम पे एक जगह है। और वैसे भी मैं जानता हूँ वो सॉलिक मतलब इंडिया पे एक है कोलकाता पे, और एक सॉलिक कहाँ पे इंडिया का बाहर भी है, वो आपको भी पता है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा बस। और अभी मैं न्यूटन बाईपास के ऊपर ही है, ये मेट्रो का ज़्यादातर मेट्रो का काम चल रहा है। अभी मैं डायरेक्ट यू टर्न लूँगा क्योंकि मुझे अभी बाईपास की तरफ जाना है, चिकनीगढ़ बाईपास। तो अभी थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे, सिग्नल में रुकना पड़ेगा हम लोग को। और ये बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब क्वार्टर है, बॉर्डर सिक्योरिटी। और अभी जा रहे हैं एक एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर। अभी मैं धीरे धीरे निकलूंगा, ये जो दो तरफ से पिलर लगा हुआ है वो मेट्रो के लिए काम चल रहा है। अभी हावड़ा मेट्रो एक 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 जा रहा है आपका बाएं तरफ से जा रहा है, आपका मेट्रो का लाइन जा रहा है आपका जो है ना एयरपोर्ट, न्यूटन से एयरपोर्ट जाने का मेट्रो लाइन का काम चल रहा है। तो अभी फिलहाल मैं उसी पास से जा रहा हूँ, तो दाएं तरफ देख लीजिए वो वहाँ पे उस तरफ कैनल है, कैनल के उस तरफ ही आपका सॉल्ट लेक पड़ता है। और दाएं तरफ ऊपर से जो ब्रिज जा रहा है अभी वो मेट्रो का ब्रिज है, वो भी चालू हो गया सॉल्ट लेक मेट्रो। अभी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, अभी सियालदह तक जा रहे हैं, उसके बाद हावड़ा तक जाएगा। अभी हावड़ा तक स्टार्ट नहीं हुआ, फिलहाल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो नीचे में अभी जो मैं जा रहा हूँ उसके मेरे ऊपर ये और एक स्टेशन चालू हो रहा है, मतलब काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो न्यूटन का ही, मैं जो आप लोगों को बोला ना जो एयरपोर्ट जाने का जो मेट्रो स्टेशन का वही वाला हो रहा है। अभी मैं
ऊपर के सामने जो ब्रिज है उस ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ, तो बहुत ही सुंदर ही दाएं तरफ मेट्रो खड़ा है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो थोड़ा स्पीड लिमिट में चलना है, ज़्यादा जोर से नहीं। थोड़ा आज खुश हूँ मैं, हूँ बहुत। फर्स्ट टाइम मेरा एक दोस्त के साथ मिलने में जा रहा हूँ, जो जिसके साथ मैं लगातार ऑल टाइम लाइव करता हूँ, लाइव में सिंगिंग करता हूँ, और वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे थोड़ा, मेरा एक वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी मैं थोड़ा दोस्त को फ़ोन करूँ और उसको मैं मेरा लाइव लोकेशन भेजूँ। ये सीधे जा रहे चिंगड़ी बाईपास, और दाएं तरफ ऊपर देख रहे मेट्रो का ब्रिज है, मेट्रो का काम चल रहा है। ये हावड़ा कनेक्टिंग मेट्रो चल रहा है बाईपास के, बस से जा रहा है। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो स्टेशन का। आसमान से थोड़ा बादल भी छाए हुए, शायद बारिश भी हो सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या होता है। ये निको पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही सुंदर पार्क है। बच्चे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपका जो है वाटर पार्क भी है, राइडर राइड भी है बहुत सारा, और उसके पास ही एक बड़ा सा हॉल ऑडिटोरियम भी है। वहाँ पे आप शादी वगैरह जो भी है ये सब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है। और इसके बाजू में एक बहुत सारे बहुत बड़ा झील है, पार्क भी है, वहाँ पे आप लोग बैठ कर से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और डायरेक्टर मेरा मेट्रो का ब्रिज चल रहा है, मेट्रो का ब्रिज जा रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फिलहाल स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, काम भी बहुत जल्दी से हो रहा है। और हमेशा स्पीड लिमिट में चलाने के लिए कोशिश कीजिएगा, स्पीड लिमिट में चलाएंगे तो थोड़ा एक्सीडेंट कम होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। और हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, आप लेके आप लोग के लिए कोई वेट करता है घर में, तो आप आएंगे उन लोगों के साथ बात करेंगे, आप उन आपके लिए घर में लोग घर के लोग वेट करता है। सो हेलमेट पहन के चलाइए और थोड़ा सावधान से चलाइए। अभी ये भी एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये चिंगड़ीघाटा है बाईपास के जो मेट्रो स्टेशन है वो, उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है फिलहाल, बहुत देर है काम ख़त्म होने के लिए, ये इसलिए थोड़ा जाम है और कुछ नहीं। अभी मैं सामने से बाएं तरफ घूमूंगा क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट जाना है मुझे, सीधे जाएंगे तो थोड़ा सिग्नल में फंस सकता हूँ, इसलिए बाएं तरफ एक शॉर्टकट है, वो ज़्यादा भी शॉर्टकट नहीं है ये वाला, इसमें थोड़ा शॉर्टकट जाएंगे तो थोड़ा सिग्नल में फंसेंगे नहीं, इसीलिए शॉर्ट को मैं यूज़ ज़्यादा करता हूँ। थोड़ा कंजेस्टेड है रोड,
देखिए अभी मैं बाईपास पे उठ गया, चिंगड़ीगढ़ बाईपास से ही है, अभी कनेक्ट हो रहे हैं चिंगड़ीगढ़ बाईपास के से। उल्टा तरफ से बाइक चला के आता है लोग, कैसे समझता नहीं हूँ। चलिए सो अभी मैं बाईपास से उठ गया, तो हम जो कह पहले जो बोल रहा था, कभी भी स्पीड ज़्यादा मत लीजिएगा, स्पीड लिमिट में चलाइए, ठीक है। ये बाईपास है, बहुत ही खतरनाक रोड है, कभी चलाएंगे तो बहुत संभाल के चलाइए, और साथ में साथ कभी भी हेलमेट बिना हेलमेट में मत चलाइए, ठीक है। मौसम भी देखिए, बादल छाए हुए पड़ा पूरा आसमान पे, कभी बारिश हो सकता है। और दादा देखिए ब्रिज हो रहा है, वो भी मेट्रो का ब्रिज चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है बहुत दिन से। और सिटी में जब चलाएंगे बहुत धीमे से चलाइए, ज़्यादा जोर से मत चलाइए, क्योंकि चालान कर सकते हैं पुलिस कभी भी ओवर स्पीड के लिए, ठीक है। थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अभी सामने से मैं दाएं तरफ घूम के, फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का नाम है माँ फ्लाईओवर, तो माँ फ्लाईओवर से हम जाएंगे सीधे। और बहुत ही बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है वो फ्लाईओवर, और बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये भी देखिए, अभी मैं माँ फ्लाईओवर के तरफ एंट्री हो गए, अभी माँ फ्लाईओवर में मैं उठ रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर है। धीरे धीरे देखिए सब बिल्डिंग भी दिखेगा आप लोग को, और बाएं तरफ देखिए मेट्रो स्टेशन बन रहा है, और ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है आपका है साइंस सिटी का, और हम साइंस सिटी के पास से जाऊंगा फ्लाईओवर से। और दाएं तरफ देखिए आईटीसी होटल, बहुत इम्पोर्टेंट फाइव स्टार होटल है, ये नया बिल्डिंग है, और वो एक और एक बिल्डिंग है, उसमें भी बहुत बॉलीवुड आर्टिस्ट फ्लैट खरीद के रखा है, मैं सुना है, बट मैं सुना हूँ बस, मैं जानता नहीं हूँ सच में एक हो क्या। तो बाएं तरफ देखिए मेट्रो बीच मेट्रो स्टेशन चल बन रहा है, साइंस सिटी का मेट्रो स्टेशन ये। देखिए ऊपर से और एक ब्रिज जा रहे हैं, वो भी रूबी के तरफ जा रहे हैं, बाईपास रूबी के तरफ जा रहे हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। बाएं तरफ देखिए, वो देखिए बाएं तरफ एक येलो कलर का लैम्बोर्गिनी, ब्लैक कलर का लैम्बोर्गिनी, तो आज तो हो गए, देखो आज आप लोगों को एक लैम्बोर्गिनी दिखाने वाले हैं। तो जब ले मैं लंबे दिखाएंगे आप लोगों को, थोड़ा मैं माइक खोल के बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा नॉइस आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ सकता है, थोड़ा झेल लीजिएगा, क्योंकि लंबे सिर्फ जाने से तो नहीं होगा ना, उन लोगों का जो है साइलेंसर जो है इसका साउंड भी आप लोगों को बस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे का साउंड ही वो बहुत साइलेंसर जो है ना, सभी लोग प्यार करते हैं साइलेंसर का साउंड। तो मैं इसी के लिए मैं थोड़ा माइक खोल के आप लोगों के साथ बात करेंगे, और थोड़ा नॉइज़ आ सकता है, थोड़ा झेल लीजिएगा, और बहुत जल्द जल्द से जल्द आप लोगों के साथ फिर से अच्छे से बात करेंगे, तब तक आप लोग झेल लीजिए मेरा ये नॉइज़ वाला बातें, मेरा साथ में साथ लैम्बर्गिनी का जो साइलेंसर का साउंड।
ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा माइक खुल के आप लोग के साथ बात करेंगे। अभी आ रहे पीछे से लैम्बोर्गिनी, तो चलिए हम माइक खोलते हैं, लेट्स स्टार्ट। वहाँ फ्लाईओवर बहुत बड़ा है, आप सब लोग देखिए है अभी लैम्बोर्गिनी आ रहे हैं मेरे पीछे, एक येलो कलर का, एक ब्लैक कलर का, ये देखिए ब्लैक कलर का येलो कलर का। अभी हम लोग थोड़ा जोर से चलाते हैं इन लोगों को दिखाने के लिए आप लोग, देखिए लैम्बोर्गिनी हम लोग। जा रहे हैं गाड़ी है ना, क्या लग रहा है भाई नंबर के लिए। यार ऐसे कार खरीदते हैं ना पूरा धमाका लग जाएगा। सब लोग देख रहे हैं गाड़ी को जा रहे हैं, कोई 5 मिनट ओवरटेक नहीं कर रहे हैं कोई ओवरटेक नहीं कर रहे हैं भाई, पूरा धमाका धमाका है। मेरा पीछे है लंदन की, ठीक है ये देखिए ब्लैक एंड येलो कलर का पूरा धमाका। लैम्बोर्गिनी के साथ ही चलते हैं छोटे छोटे, बहुत गर्मी लग रहा है।
आज कितना जोर से ब्रेक मार रहा है, ऐसे गाली गाड़ी चलाते हुए ताकत नहीं बना। ऐसा मत बोलिए, क्या गाड़ी है भाई, ऐसा गाड़ी खरीदना चाहिए तब तो मज़ा आएगा। अभी मैं लिफ्ट के तरफ जाऊँगा, वही आ रहे हैं। हाँ वही आ रहे हैं, और ये भी घूमेगा पाए तरफ मेरे लिए। वो भी वहाँ गंगा के लिए इधर भी आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखिए मेरा पीछे पीछे गंदा भी नहीं आ रहा है। वो देखिए मेरे गंदा भी नहीं आ रहा है, हम लोग रास्ता बहुत खराब है, थोड़ा खराब है, प्रॉब्लम हो सकता है। लंबोर्गिनी खराब रास्ता होता है तो लंबोर्गिनी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है चलाने में। क्या ही बोलिए, धमाका लग गया है। ये गाय नेशनल लाइब्रेरी है, तो चलिए अभी फिलहाल मुझे लैम्बोर्गिनी देखने से नहीं चलेगा, तो लैम्बोर्गिनी तो आएगा ही और उसको आने दो, लेकिन अभी मुझे सामने तरफ जाना है। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के पास। इतने देर तक तो मैं लैम्बोर्गिनी के साथ ही आया, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा शायद, हमको ऐसा लगा क्योंकि लैम्बोर्गिनी येलो कलर का भी बहुत मस्त था और ब्लैक बार भी बहुत मस्त था। इतना सुंदर साउंड था उसका, साइलेंस है, क्या साउंड है भाई, क्या बोलूँ, हद हद है, मतलब माइंड ब्लोइंग। ऐसा कार मेरे पास होता तो शायद उफ क्या बोलूँ। चलो क्या छोड़िए, अभी मैं ये है आपका जो आर्मी हॉस्पिटल, तो चलिए आगे जाते हैं। ये है मेन कोलकाता है, बिहार की तरफ मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थोड़ा पेड़ भी दिखता है कोलकाता में, यहाँ इस एरिया में और थोड़ा पेड़ दिखता है, अच्छा लगता है कोलकाता में यहाँ पे। तो बाकी कुछ जगह में पेड़ ही नहीं है, सारे सारे बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी है पेड़ भी है, सभी ठीक ठाक ही है। अब मुझे थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा जल्दी जाना है। অবশ্যই কলকাতার ভীষণ জ্যাম থাকে, আপনারা কলকাতায় যদি আসেন জ্যামটা ঝেলতেই হবে আপনাকে।
ঠিক আছে। তো এক্সাম শুধু কলকাতা না, সারা শহর সারা জায়গায় আপনি এক্সাম এরকম জ্যাম পাবেন। তো নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের কাছে হয়তো কলকাতার জ্যাম কলকাতার মতো, আর মুম্বাইয়ের জ্যাম মুম্বাইয়ের মতো, ব্যাঙ্গালোর জ্যাম ব্যাঙ্গালোর মতো, সব জায়গায় ডিফারেন্ট টাইপের জ্যাম হয় সব জায়গাতে। এখানে দেখুন ট্রাম লাইনও দেখতে পাচ্ছেন, এখন চলে কি চলে জানি না। তো আমি চড়ে নিয়েছি ট্রাম অনেক বছর আগে, তো এখন সেরকম চড়া হয় না, সুযোগও হয় না, সে ট্রাম লাইনের উপরে পড়ে রয়েছে। এটাই তো আমাদের কলকাতার ঐতিহ্য, ট্রাম লাইন। আর আমাদের ট্রাম এখনও কিছু জায়গায় চলছে, সেই ঐতিহ্য এখনও ধরে রেখেছে এখনও বর্তমান গভর্নমেন্ট। এরপর গভর্নমেন্ট কতটা কী করবে সেটা আমি জানি না ঠিক। তো যাই হোক, সেই বিষয়ে আলোচনা না করলেই যায় ভালো হয়। তো আমি এখন যাবো ডান দিকে, দেখছেন তো কীরকম রাস্তা কলকাতার, বেহালার দিকে রাস্তা এগুলি বলে। রাস্তাগুলো ঠিক এরকম, কিছু বলার নেই, খুব একটা খারাপও না। তো আমি আর বেশি দূর নেই, 20 কিলোমিটার বাকি নেই, আর খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। আসলে ল্যাম্বরগিনির সঙ্গে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল অনেক লম্বা রাস্তা যাচ্ছি, কারণ ল্যাম্বরগিনি খুবই আস্তে চলছিল সেই আন্দাজে। ল্যাম্বরগিনির স্পিডের সঙ্গে আমার অবশ্যই পারবো না, যদি আবার ল্যাম্বরগিনি যদি স্পিড টানত। তবে কলকাতা শহরে ল্যাম্বরগিনি স্পিড টানার মতো পরিস্থিতি নেই, আর এইসব রাস্তা ল্যাম্বরগিনির জন্য না। তো অবশ্যই আমরা সুযোগটা পেয়েছি, তার জন্য একটা ল্যাম্বরগিনির সঙ্গে আসতে পেরেছি, মানে আমার স্কুটি ল্যাম্বরগিনির সঙ্গে ইম্পসিবল, একটা মানাই যায় না। তো যাই হোক, মনে করে লাভ নেই, বাট এনজয় করেছি ল্যাম্বরগিনির সঙ্গে এসে, এনজয় করেছি। এই রাস্তা অনেক পুরনো কলকাতা, এই রাস্তাটা বহু পুরনো রাস্তা। যদি আপনি চান আসেন কলকাতা যখন, এইসব রাস্তা ঘুরবেন, তারাতলা বেহালা এসব রাস্তা একটু ঘোরাঘুরি করবেন। এটা হচ্ছে বেহালার মেন রোড, আর দেখে মনে হচ্ছে বেহালার রাস্তাটা বেশ সুন্দর করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। আর উপর দিয়ে সাইড দিয়ে দেখুন মেট্রো লাইনও চালু হচ্ছে, মেট্রোর ব্রিজের উপরে লাইন দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে। তো এটা এটা একটা নতুন একটা ব্রিজ, খুব সুন্দর ব্রিজটা। যতই ব্রিজ হোক রাস্তা জ্যাম যাচ্ছে না, কারণ রাস্তা যতই রাস্তা বার হোক না কেন গাড়ি কমবে না, গাড়ি বাড়বে। বেশি দূর নেই আর খুব একটা দূর নেই, খুবই কাছাকাছি চলে এসছি আমি, ম্যাপে দেখাই যাচ্ছে, আর বেশি দূর নেই। তবে এই বেহালার যে রাস্তাটা খুবই সুন্দর করে দিয়েছে, দেখেই আমার অবাক লাগছে, আমি বেহালাটাকে চিনতে পারছি না, বেহালার রোডটা যে আমরা যেতাম আগে একটু দেখে নিই কতটা রাস্তা আছে, আর বেশি দূর নেই, আর একটু আছে। তো চলুন আগে এগিয়ে যাই। আমার মতো ব্রিজ দিয়ে গেলে হয়তো ভালো হতো, ব্রিজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, নিচ দিয়ে যাচ্ছি, তো জ্যাম হতে পারে। দেখ বেরিয়ে গেলাম, তো কোনো অসুবিধা নেই, অসুবিধা হলো না আপাতত মনে হচ্ছে।
এক আমরা ঠিকঠাক বেরিয়ে গেছি, তবে ব্রিজের উপর দিয়ে গেলে আরো ভালো হতো হয়তো। তো যাই হোক, রাস্তাটা সোজা যাচ্ছি আমরা এখন বিয়ালার দিকে। অবশ্যই আসার সময় আমি এই ব্রিজ দিয়ে যাব। তো এটা পার্ট ওয়ান থাকলো আমার বিয়ালে যাওয়ার। পার্ট ওয়ানে আপনারা দেখবেন আমার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, লাঞ্চ খেলাম, এটাই আমার পার্ট ওয়ানের ব্লগিং ওখানে শেষ হবে। পার্ট টুর ব্লগিংটা আপনার নেক্সট ব্লগিং আপনাদের দেখাবো। তো এখন ফার্স্ট পার্টটা আপনাদের দেখাচ্ছি ব্লগিংয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। তবে আপনার মনে হচ্ছে আমি এখন হিন্দি থেকে বাংলায় চলে এসেছি কেন, কারণ অনেকে বলে হিন্দিতে আমার ঠিক পোষায় না, তা আমি এখন বজ্র বাংলায় বলছি। তো একটা নতুন মেট্রো স্টেশন চলে গেল বিহালা। বিহালের রাস্তা খুব সুন্দর লাগছে, এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে বিহালের রাস্তা। আমি বেহালাটাকে চিনতেই পারছি না, মানে কি সেই বেহালা আমি যে বেহালাটা আমি আগে আসতাম, রাস্তাগুলো দেখেই তো আমার একটু অবাক লাগছে, খুব সুন্দর করে দিয়েছে। আমি অনেকদিন পর বেহালে আসছি, এর জন্য লাগছে বোধ হয়। উপরে মেট্রো ফ্লাইওভার যাচ্ছে মেট্রো রেলে, আর এটা তারাতলা। এখান দিয়ে আমার এখানে আমার অনেক এক রিলেটিভের বাড়ি আছে, জানি না কোথায় থাকে, রাস্তা ঠিক মনে আসছে না ঠিক। দেখুন কংক্রিট রাস্তা করে দিয়েছে, কি সুন্দর বিয়ালার মতো রাস্তা, কংক্রিট রাস্তা ভাবাই যায় না সত্যি। এখানে এখনকার গভর্নমেন্টের সাথে সত্যি খুব ভালো কাজই করেছে, এখন দেখছি ভালো কাজ করবে, খারাপ না। খুব সুন্দর রাস্তাটা পড়েছে, দারুণ দারুণ চালিয়ে বেশ ভালোই লাগছে বিয়ালাতে গাড়ি চালিয়ে। আগে যতটা কষ্ট হতো এখন ততটাই ভালো লাগছে গাড়ি চালিয়ে। বিয়ালের রাস্তা সত্যি এখন খুব ভালো লাগছে চালিয়ে, এটা বলার মতো সুখ্যাতি করার মতোই রাস্তা করেছে, সত্যি সুখ্যাতি করার মতো রাস্তা। তবে বিহারে যে আগে যে জলটা জমতো বর্ষাকালে, জানি না সেই সেটা কি উন্নতি হয়েছে কিনা, সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত রাস্তা তো দেখছি খুবই সুন্দর দেখছি, কিন্তু একটু জ্যাম রয়ে গেছে, ওটা আস্তে আস্তে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার একটা মেট্রো চালু হয়ে গেলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে, এখন এখানে মেট্রো চালু হয়নি, তবে কিছু কিছু মেট্রো স্টেশন বেশ ভালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে। যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি বেহালার রাস্তাটাকে, সত্যি মানে জিতনা দেখ রা হো উতনাই মানে হ্যারান হয়ে যা রা হো, কি বেহালা হ্যায় ভাই ক্যা বলো। দেখি অনেক মেট্রো স্টেশন, এ ভি পুরা তৈয়ারি হোকে বেঠা হ্যায় সব কুছ, এসাই লাগ রা দেখ বেহালা বাজার বাজার মেট্রো স্টেশন, এই বেহালা কা বাজার মেট্রো স্টেশন হ্যায়, দেখিয়ে কতনা সুন্দর হ্যাঁ, বহা লাগ রা একচুয়ালি বেহালা কো দেখ কে, নয়া বেহালা কো দেখ কে সচ মে। বহুত হি সুন্দর লাগ রা, বহুত হি আচ্ছা লাগ রা গাড়ি চালা কে, বেসে ভি বহুত হি আচ্ছা লাগ রা। আমি মুঝে এসা লাগ রা বিহারে মে অর এক বার আও ঘুম কে যাও, এসা লাগ রা।
और ये रास्ता बहुत ही टेक्सचर है, बहुत सालों से चलेगा। जो कंक्रीट का रोड है ना, बहुत ही अच्छा बना है, इसका लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा होता है। सच में बहुत अच्छा बनाया है रोड को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच में बियाला को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तेरी कैसे बांस निकल गया बांस के सामने से। खतरनाक चला रहे हो बांस, पब्लिक बांस। ये देखिए और एक मेट्रो स्टेशन, चोर रास्ता, बियाला चोर चोर रास्ता मेट्रो स्टेशन। और एक नया मेट्रो स्टेशन बियाला का, बियाला में बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। ऐसा लग रहा है बियाला में ज़्यादा मेट्रो स्टेशन बन गया है। एक्चुअली बियाला बहुत बड़ा एरिया भी है, छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है बियाला। ये बियाला चोर रास्ता है, चौरास्ता का ऊपर एक मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। फिर से देखिए कंक्रीट का रास्ता, बहुत बहुत अच्छा, बहुत पूरा ही एकदम मीठा बैठे कंक्रीट का रास्ता बना के रखा है। मैं बहुत दिन बाद आया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि भाई बियाला में पहले इतना जाम रहता था, क्या बोलूँ। पहले बाइक चलाते मन नहीं करता था, में आ गए, पहुंच ही गए, तो मुझे ऐसे लग रहे थोड़ा आगे आ गए, या मेरा आगे लोकेशन बन गया। उल्टा दिया क्या कर सकते हैं, बोले पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बाद ही वो केएफसी है। तो अभी मैं केएफसी में आ गया, मैं दोस्त के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं उसको फ़ोन किया, वो शायद बस में है, मैं और एक बार ट्राई कर रहा हूँ उसको फ़ोन करके, देखता हूँ कहाँ पे है। मैं तो उसके पहले पहुँच गया, तो देखते हैं। शायद ऑटो में है, ऐसा हो सकता है।
शायद ऑटो या बस पे है, कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद दोस्त आएगा तो मैं फिर से आप लोगों को मिलाऊंगा उसके साथ, ठीक है। चलिए भाई फिर से भाई शौकर बाजार है, चलिए। सो हम लोग अभी आ गए, मेरा दोस्त ये देखिए, मेरा दोस्त है जान भाई है, और ये बहुत ही अच्छा गाते हैं और बहुत स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। आप लोग को जो जो भी स्टेज प्रोग्राम होगा मैं भी जाऊंगा, उनका लिंक हम भेज देंगे और यूट्यूब में भी डाल देंगे इसका स्टेज प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा देखा देंगे, कभी भी होगा तो देखेंगे जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ पे लंच का पार्टी कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं हम दोनों भाई मिल के। तो आज पहली बार मुलाकात हो रहा है इनके साथ, और पहले तो इसके पहले मतलब लाइव में होता था और ऐसे फ़ोन में बात होता था, अभी आज पहली बार मुलाकात हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम इसके साथ मुलाकात हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है। तो चलिए मेरा ये ब्लॉगिंग आज यहीं तक है, आप लोगों के साथ मुलाकात कर लिया मेरा दोस्त जान भाई के साथ, और अभी हम लोग लंच कर लेंगे, फिर दोस्ती के बाद जो बात होता है बात कर लेंगे, उसके बाद घर चलाएंगे दोनों घर, ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू, बाय बाय। आज मेरे लिए मेरा दोस्त बोल दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा।